तो सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, नारी लगाते तमाम चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। और आज दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए यहाँ पे पोस्टर के साथ आए हुए, आइए। ठीक है, आप लोग अपनी क्या कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम रविंद्र प्रधान है और हम सारी पूरी यूनिट जो है जनपद हापुड़ से आई हुई आज यहाँ। हापुड़ से आए हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग इस यहाँ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि विरोध करने के कारण क्या है आप लोग? देखिए, विरोध करने का कारण ये है कि पहले जो हमारे गोरे शासक थे अंग्रेज, उन लोगों ने क्या करा देश में, पहले डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उसी प्रकार की जो स्थिति है इस वर्तमान सरकार, जो मनुवादी सरकार चल रही है, इसकी स्थिति है ये। अब पहले तो इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दिया, फिर जात के नाम पे लड़ा दिया, अब आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण दिया हुआ है एससी एसटी को, उन्हीं भाइयों में क्रीमी लेयर ये अप्लाई करके उनको आपस में लड़ना चाहते हैं कि एक दूसरे से वो सब भाई लोग आपस में ईर्ष्या करने लगे। तो आपको लगता है मतलब ये जो क्रीमी लेयर आ जाएगी और वर्गीकरण हो जाएगा तो इससे आपस में ही आप लोग बट जाएंगे? बिल्कुल बट जाएंगे। अच्छा, आप देखिएगा कि बटेंगे क्यों, जातिवाद एक, इसमें एससी एसटी में एक जाति तो कोई आती नहीं है, इसमें 27 या 38 के आसपास जातियाँ आती हैं जो आती हैं। अब उनमें से कुछ लोग कामयाब हो सकते हैं, कुछ लोग अभी उस चीज़ का फायदा नहीं ले सके। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग जातिगत जनगणना का समर्थन भी कर रहे हैं, पोस्टर्स में देख रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। तो जातिगत जनगणना होगी तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन किस जाति से है, तो यहाँ पर जो वर्गीकरण होगा तो उसमें भी तो यही क्लियर होगा, क्योंकि आपस में अगर समाज, मान लीजिए कोई एससी एसटी में जो और पिछड़ी जातियाँ हैं, अगर आपस में समाज में कुछ भेदभाव उनके साथ हो रहा है तो कोर्ट का ये कहना है कि उनको भी समान हक मिले, इसलिए ये सब कर रहे हैं। एससी एसटी में कोई भी मतभेद नहीं है, ना ही उनमें आपस में कोई द्वेष भाव है, ये तो सरकार की एक मनोस्थिति है, जो मनुवादिता सोच है इनकी, ये जान बूझ कर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं कि ये जो एस सी एस टी वाले हैं आपस में लड़ें। अभी आप देखिएगा 85% एस सी एस टी ओ बी सी की आबादी है, जिस दिन ये जातिगत जनगणना कर लेंगे उस दिन इनको पता लग जाएगा कि जो 15% लोगों का राज नहीं चलेगा, जो 85% लोग हैं उनका राज चलेगा, और वही इस देश की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। और भी आप इनके साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, आपका भी बिल्कुल यही कहना होगा? जी बिल्कुल यही कहना हमारा भी। ठीक है, और जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड है? जातिगत जनगणना गणना होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। महिलाएं भी आई हुई हैं पीछे, हमें देख सकती हूँ, तो तमाम मतलब भीमार्मी समर्थक यहाँ पर हैं, आजाद पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हो आप लोग? आए हुए हैं हापुड़ से ही, आए हुए हैं प्रधान जी के साथ ही हैं, हापुड़ से ही आए हुए हैं, इसी जो ये आरक्षण है इसी के विरोध में आए हुए हैं कि भाई ये खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? जो संविधान है उसको भी ये उथल पुथल करते रहते हैं, उसको भी कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, ऐसे कैसे होगा? जो अब तक कानून बनाए क्या वो सही नहीं था? अगर सही नहीं था तो उसमें कुछ और ज़्यादा बेटर करते तो ज़्यादा, इतनी पब्लिक जो इकट्ठी हुई है किसी को परेशानी नहीं होती। अब परेशान है सभी लोग, तो क्यों है परेशान, इसका कोई मेन कारण तो होगा भाई? जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, एस सी एस टी में कोई एक जाति नहीं है, कितनी सारी जातियां उसमें निर्धारित हैं, तो सभी को परेशानियां हैं, सभी परेशान होकर के यहां आज इकट्ठा हुए हैं, सभी अपनी आवाज़ को लेकर यहां आए हैं, और हमारी आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वही हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे, जो भी आवाज उठाएंगे आज़ाद इनकी। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में ऐड करना चाहूँगा, और मीडिया के अपने सारी बंधुओं को और बहन जी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमें कवर कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक मुद्दा उठाया है संसद में, और वो सिर्फ एक एससी एसटी ओबीसी या किसी दलित या पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, उन्होंने मुद्दा उठाया है क्या कि जब तक इस देश में शिक्षा की प्रणाली में बदलाव नहीं होगा, जब तक एक आईएएस आईपीएस चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, बीएससी हो, कोई भी हो, सबके बच्चे एक मेज पर जाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस देश में ना तो शिक्षा प्रणाली सुधरेगी, ना ही शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ठीक है, जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो जातियाँ को खत्म क्यों नहीं करते हो पहले, जाति खत्म करो। आप बताइए आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, ये कि जो यहाँ पर एक आज जन सैलाब आया हुआ है, ये किसी एक जाति किसी एक धर्म विशेष से नहीं आया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम नईम रजा है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ मैं, और जितने तादाद यहाँ पर जितनी संख्या हमारे दलित भाइयों की है उतनी पिछड़े भाइयों की भी है और उतनी मुस्लिम समाज भाइयों की भी है, क्योंकि जो दर्द दलित समाज के लोग आज अपने सीनों में रखते हैं, भाई मुस्लिम समाज के लोग भी अपने सीनों में रखते हैं, और उसी दर्द को लेकर के आज जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए नारा लगाने के लिए सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं आए हुए हैं, अपने सीनों के
अंदर जो दर्द है उसे सरकार को महसूस कराने के लिए आए हुए हैं कि अगर आज भी यहाँ से बौरी गूंगी सरकार अगर ना सुन सकी तो यहाँ से उठता हुआ ये जनसैलाब कल को रोडों पर निकलेगा, घर घर पहुँचेगा, गाँव गाँव पहुँचेगा। और अगर आपको ये दर्द हमारा महसूस नहीं होता है और आपको वोट की ही आवाज़ सुनाई देती है तो आने वाले चुनाव के अंदर आपको ये बहुजन समाज ऐसा जवाब देगा कि आपके ताबूत के अंदर कील ठोकने का काम करेगा कि दोबारा से कोई नफरतें फैला करके राजनीति ना कर सके। दूसरी चीज, एक किसी शायर ने बहुत पहले लिखा हुआ है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसा आईना तलाश कर। और तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, रहबर मींस लीडर नेता, तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, ईमान तेरा जो बचा ले, ऐसा लीडर तलाश कर, ऐसा नेता तलाश कर, ऐसा लहबर तलाश कर। और आज के समय में जो ये आरक्षण विरोधी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये चाहती है कि अभी तो पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाती रही, फिर अब ये चाहती है कि भाई भाई आपस में लड़ जाएं, ठीक है। इसीलिए इसने क्या किया है, इसने सुप्रीम कोर्ट को सामने करके सरकार ने एक मुखौटा अपने आगे लगाया, वो मुखौटे का नाम है सुप्रीम कोर्ट। ये बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ समझती है, एक प्रोपेगेंडा चलवा रही है कि अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बहुजन समाज के लोग आज रोडों पर उतर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, जो छुआछूत नीच ऊंच और जात पात में विश्वास रखते हैं, जो कोलिजन सिस्टम के थ्रू बैठ गए हैं, जिन्हें के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो समाज सदियों सदियों से पिछड़ा रहा, जिसके ऊपर अत्याचार होते रहे, अगर आज 78 साल में बाबा साहब के दिवस संविधान के थ्रू आरक्षण लेकर के वो सिर्फ थोड़ा सा खड़ा होना सीखा है, कुछ अच्छे कपड़े पहनना सीखा हुआ है, तो आप उसके फिर से पैरों को तोड़ देना चाहते हैं और इस समाज को दोबारा से आप बैसाखियों पर लेकर के आना चाहते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप इस बात का सर्वे कराना चाहते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर आप इस चीज़ का आरक्षण सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर सराफों की दुकानें किसकी हैं, पेट्रोल पंप किसके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किसे दी जा रही हैं, किसी के बड़े बड़े रेलवे के ठेके किसे दिए जा रहे हैं, इसका भी सर्वे कराना चाहिए। अगर ये सरकार वास्तव में अगर यूनिटी में विश्वास रखती है, एकता में विश्वास रखती है और मानती है कि मानव मानव एक समान, सो माई थिंक्स इज डैट नाउ वी आर द इंडियन एंड मानव मानव समान। माई क्वालिफिकेशन इज MSc एंड MEd, आई हैव कम्प्लीट द एंड क्वालिफाइड CTET, सुपर टेट, यूपी टेट, बट माई क्वेश्चन इज दैट वेयर इज जॉब। ये दर्द है मेरा, ये दर्द है मेरा, कहाँ जाए जॉब मांगने के बाद जॉब नहीं है। और साथ साथ इनका ये कहना है कि ये फैसला ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि ये सरकार की मंशा है और वो आपस में हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हम लोगों को अलग करना चाहते हैं। देखो ये होगा कि ये जो है आंदोलन का कहीं रूप ना ले ले, जो भारत का आयोजन किया गया है आज वो एक कितना बड़ा रूप आगे जाकर लेता है। दिल्ली से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।